क्या बिहार में फिंगल तूफान का पड़ेगा असर? जानिए बिहार के मौसम का मिजाज। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में ठंड की शुरुआत हो चुकी है, दिसंबर महीना शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक जैसा ठंड का असर दिखना चाहिए था वैसा असर दिख नहीं रहा। हालांकि प्रदेश में कई जगहों पर सुबह के समय कोहरे के कारण धुंध की स्थिति दिखनी शुरू हो चुकी है। अब इसी बीच बंगाल की खाड़ी में उठे फिंगल तूफान की चर्चा भी तेज हो चुकी है। फिंगल तूफान के कारण देश के कई हिस्सों में तेज हवा और भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में बिहार में भी फिंगल तूफान के असर को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। फिंगल तूफान के कारण बिहार में ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन आपको बता दें कि फिंगल का बिहार में प्रत्यक्ष रूप से असर नहीं होगा। हालांकि फिंगल के कारण प्रदेश के मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। फिंगल का असर दक्षिण भारत के कई हिस्सों में हो सकता है। आज इस चक्रवाती फिंगल के तमिलनाडु के कराईकल और महाबलीपुरम के बीच तट से टकराने की संभावना जताई गई थी। वहीं बिहार में सुबह के समय और शाम ढलते ही ठंड का एहसास तेज हो जाता है। प्रदेश में कुछ जगहों पर ठीक से सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन दोपहर में तेज धूप का एहसास हो रहा है। अभी मधुबनी में सबसे अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री दर्ज किया गया था, वहीं न्यूनतम तापमान डेहरी में 9.5 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले 3 से 4 दिनों में मौसम में कुछ विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। प्रदेश में आज से आगामी 5 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं तापमान की बात करें तो 5 दिसंबर तक अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 14 से 16 डिग्री और कुछ जगहों पर 12 से 14 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। प्रदेश के मौसम का हाल जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं देश के मौसम की। तो आज उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय ओडिशा में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, ओडिशा के कुछ हिस्सों में, गंगा के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। दिल्ली और NCR का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बहुत खराब श्रेणी में ही बना रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।